हॉस्पिटल में दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन, जोड़ प्रत्यारोपण, फ्रैक्चर एवं हड्डी रोग, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हिस्टेक्टोमी, रसौली, अपेंडिक्स, प्रोस्टेट पित्त की थैली, हर्निया जैसी अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज होते हैं दूरबीन विधि द्वारा। 24 घंटे एक्सरे की सुविधा एवं अन्य सुविधाओं से लैस समय हॉस्पिटल, गिरिराज पेट्रोल पंप के पास, रामबाग, आगरा। नमस्कार दोस्तों, मैं लोधी अशोक राजपूत, आप देख रहे हैं अर्थ न्यूज। आज मेरे साथ मौजूद हैं गांव के दयाशंकर जी, सामो गांव में, जो कि एक स्कूल चलाते हैं सेंट गोपाल के नाम से। सेंट गोपाल जो स्कूल है उसके बारे में, जो सेंट गोपाल भी क्यों है इसके बारे में चर्चा करेंगे। इनके अंदर यानी स्कूल के अंदर क्या फैसिलिटीज हैं, बच्चों के लिए क्या सुविधा रहती है, उस चीज को लेकर चर्चा करेंगे। आज मेरे साथ मौजूद है स्कूल के प्रबंधक दयाशंकर जी। स्वागत है दयाशंकर जी आपका। हम ये जानेंगे कि आपने स्कूल का नाम सेंट गोपाल ही कर रखा। सर, सेंट गोपाल पब्लिक स्कूल का जो नाम है, मेरे दादाजी का नाम था गोपाल जी, तो उनके नाम पर ही ये मैंने नाम रखा। मेरे पिताजी ने बोला कि बेटे के नाम पर रखो या ऐसे नाम पर रखो, तो मेरे पिताजी तो बोलते थे कि ज़्यादातर दादी हमारी जो नाम रखती थी भगवान के नाम पर रखती थी, और हम लोगों की जो आस्था होती है वो भगवान में है। और पापा जी एक प्रिंसिपल सर थे और मैं था, तीनों लोगों ने जब डिसाइड किया तो उन लोगों को भी अच्छा लगा कि चलो एक बुजुर्ग के नाम से स्कूल चलाना चाहता है, अपने दादाजी के नाम से चलाना चाहता है, तो इसकी अच्छी सोच है। आजकल ज़्यादातर बच्चों के नाम पर ज़्यादा चला। जैसा कि हमने देखा कि आपके स्कूल के अंदर गांव में स्कूल चल रहा है, आपके यहाँ कंप्यूटर लगे हुए हैं और बैन है आपके यहाँ कन्वेंस के लिए, लोगों बच्चों को छोड़ने के लिए लाने के लिए, और देखा कि बच्चे डिसिप्लिन में हैं, तो ये आपने कहाँ देखा? और आप गांव के रहने वाले हैं, आपका बैकग्राउंड भी नहीं है ऐसा कि जो कि आप स्कूल जो चला रहे हैं आप इतना अच्छे तरीके से, तो इसके बारे में कहते हैं। सर, मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपने बच्चों को एक स्कूल में डाला। वहाँ पे मैंने देखा कि खर्चा बहुत था, वहाँ का खर्चा इतना था कि एक आम आदमी वहाँ पर नहीं पढ़ा सकता था। एजुकेशन लमसम सभी स्कूलों में बराबर होती है, तो मैंने सोचा कि हम लोग तो पढ़ा सकते हैं मगर एक गरीब लोग नहीं पढ़ा सकता, जो कि 300-350 रुपये कमाता है वो नहीं पढ़ा सकता। तो उसको देखते हुए मैंने अपने फादर से और अपनी मदर से डिस्कस किया। मदर की इच्छा थी कि मैं ट्रैक्टर चलाता था सर पहले, और किसान का ही बेटा था, किसानी का काम करता था। तो मम्मी का जो सपना था कि मेरा बेटा जो रात दिन लगा रहता है, इसको एक अच्छा काम मिले, इससे हम लोगों का भी नाम हो, प्लस हम लोगों का जो सहयोग है सामाजिक कार्य में, हम लोगों की सहायता कर सकें किसी भी एंगल से, इसमें मम्मी का योगदान ज़्यादा था। और मम्मी का सपना साकार करने के लिए मैंने ये विद्यालय डाला, और विद्यालय में जो फैसिलिटीज मैंने देखी अच्छे अच्छे स्कूलों में, अपने बच्चों को जैसे इंडियन हेरिटेज में देखा कि वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो मैंने वहाँ पर एक साल जाके कंटिन्यू सारी चीज़ें देखी। जो उन लोगों का बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, कंप्यूटर लैब है और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे स्मार्ट क्लास हैं, ये सारी चीज़ें मैंने देखी कि हम लोग 300 रुपये या 400 रुपये में नहीं प्रोवाइड करा सकते। वहाँ की जो फीस है एक बच्चे की 4,000-5,000 क्वार्टरली है। एक आम आदमी कभी भी इतना खर्चा नहीं कर सकता, तो मैंने सोचा कि हम लोग यहाँ पर 200-250 रुपये हम एक जो भी मजदूर किसान है या मजदूर है उसको 300-350 रुपये पर डे मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो 250-300 रुपये खर्च कर सकता है। मैंने पहले स्कूल खोला, फिर कंप्यूटर लेके आया, फिर मैंने देखा कि बच्चा टीवी में महाभारत रामायण देख के तुरंत लर्न हो जाता, तो मैंने स्मार्ट क्लास की व्यवस्था बनाई। उसका कोई चार्ज नहीं है मेरे यहाँ, न कंप्यूटर का कोई चार्ज है, सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है।
मेरी कोशिश ये रहती है कि जो मेरे यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनको मिलता रहे और ये विद्यालय भी पनपता रहे और बच्चों को शिक्षा मिलती रहे। अभी एक गार्जियन था, उनकी डेथ हो गई है, उन्होंने पहले साल मेरे अपने बच्चों को पढ़ाया और दूसरी साल जब उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने बच्चों को मेरे यहाँ नहीं भेजा। तो मैंने उनसे जाके संपर्क किया कि भाई अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजा, तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल तक में नहीं भेजा। उसका सपना था बंदे का कि मैं पढ़ाऊंगा बच्चे को तो सैन भोपाल में पढ़ाऊंगा अन्यथा नहीं पढ़ाऊंगा। आज वो बंदा हम लोगों के बीच में नहीं है, तो मैंने उनके घर पे गया और उनकी वाइफ से उनके पेरेंट्स से बोला कि ये बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल एजुकेशन देगा। तो जिसके बाप का ये सपना था, जिन बच्चों के बाप का ये सपना था कि मेरे बच्चे सैन भोपाल में ही पढ़ेंगे, वहाँ पे एजुकेशन अच्छी है, तो मेरे दिमाग में एक चीज आई कि पैसा एक अलग चीज है, जो बच्चा पढ़ने वाला है जिसके माँ बाप की इच्छा है पढ़ाने की वो बच्चा पढ़ना भी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हमने बात करी कि आपके टीचर्स हैं वेल एजुकेटेड है, तो गांव में आपने कहाँ से प्रोवाइड करी टीचर? सर जब मैंने स्कूल स्टार्ट किया था तो मुझे नॉलेज नहीं थी, मेरे जो प्रिंसिपल थे वो किसी दूसरे स्कूल में पढ़ाते थे। मैंने उनसे बोला कि मुझे टीचर्स अच्छे टीचर्स चाहिए जो बच्चों को समझा सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। एक तो होता है कि क्वालिफाइड टीचर होते हैं जो बच्चे खुद में क्वालिफाइड होते हैं मगर बच्चों को सही तरीके से शिक्षा नहीं दे पाते। अभी कुछ टाइम पहले जब बीजेपी सरकार नहीं थी उससे पहले घर बैठे ही बीएससी बीएड हो जाया करती थी, तो उन लोगों को नॉलेज नहीं थी। ये सारी चीज़ें मैंने जब यहाँ पे बच्चों के साथ में मिलकर मैंने बुक्स देखी, टीचरों का पढ़ाना देखा, तो ऑटोमेटिकली मेरा दिमाग काम करना शुरू कर दिया कि हमें कैसे टीचर की ज़रूरत है, कैसे बच्चों को ट्रीट करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हमने बच्चों से सीखी और टीचरों से सीखी। आज जो मेरे साथ स्टाफ है नहीं भी है जैसे निकल भी चुके हैं, उन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है मेरे साथ में और मैं उनका आभारी हूँ। और आज इस विद्यालय में करीब 500 बच्चे हैं उन्हीं लोगों की वजह से, और मेरी जो मेहनत है 24 आवर्स मैं बच्चों के लिए ही बनाऊँ, ये समझ स्कूल के लिए और बच्चों के लिए बनाऊँ। आप स्पोर्ट्स के लिए भी ज्यादा प्रॉपर ध्यान देते हैं और आपके स्कूल में बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर भी आप सक्रिय रहते हैं, तो इसके बारे में कहते हैं। सर स्पोर्ट्स मेरे हिसाब से बच्चे के लिए बहुत जरूरी है फिजिकली शरीर के लिए। हम बच्चों को दो से ढाई साल के बच्चे को बैठा लेते हैं प्ले ग्रुप में, और हम जब पढ़ते थे तो 6 ईयर ओल्ड यानी 6 साल के जब हो जाते थे तब पढ़ते थे। आज बच्चे का जो बचपन है वो छीन लिया जाता है, तो मानसिक और शारीरिक दोनों ही कुपोषण सा होता है एक तरह से। तो जब तक हम लोग व्यायाम या कोई स्पोर्ट नहीं लेंगे, जब तक हमारे शरीर की ग्रोथ और बीमारियां, मैं देखता हूँ प्रेयर में बच्चे गिर जाते हैं। हम लोगों का जो स्टेमिना है, हम धूप में पूरे दिन काम कर सकते हैं, एक बच्चा 5 मिनट नहीं रुक पाता और वो गिर जाता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है स्पोर्ट और योगा, ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है। सर मैंने ये प्रैक्टिकली देखे हैं, इसलिए मैं ज्यादा फोर्स करता हूँ बच्चों के लिए, खिलाने के लिए भी, पढ़ने के लिए भी फोर्स करता हूँ, खिलाने के लिए भी फोर्स करता हूँ, और कोशिश करता हूँ मैं बच्चों को ये भी बताता हूँ कि चाइनीज भोजन बहुत कम यूज करें, बाहर का खाना बहुत कम खाएं। अभी मैंने एक वीडियो देखा था कि हम लोग रिफाइंड यूज करते हैं, वो रिफाइंड एक डॉक्टर से रिसर्च करवाया था सर, तो मैंने उस वीडियो में देखा कि हम लोग बहुत गलत करते हैं, हम रिफाइंड खा रहे हैं, हमें सरसों का तेल ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। तो मैं बच्चों को ऐसे भी सजेशन देता हूँ स्वास्थ्य के प्रति, और मैं ज्यादातर आप जैसे लोगों के संपर्क में रहता हूँ सर, आप जैसे लोगों से मैं कभी किसी से ये नहीं सोचता कि मैं छोटा या बड़ा, ये तो मुझे किसी से भी मिलता है मैं उससे लेने की कोशिश करता हूँ और उसी को मैं बच्चों को देता हूँ। थैंक यू। जैसा कि आप देख रहे थे हमारे साथ मौजूद थे दयाशंकर जी, जो कि सेंट गोपाल स्कूल चलाते हैं गांव श्यामो में, बरौली एयर ब्लॉक में आता है गांव श्यामो। देखा कि आपने स्कूल में कितना डिसिप्लिन से बच्चे रहते हैं और स्वास्थ्य के प्रति कितना सचेत रहते हैं, और ऐसी चर्चाओं को लेकर फिर दोबारा हाजिर होंगे। मैं लोधी अशोक राजपूत, अर्थ न्यूज।
घर को बनाना है खास तो चले आइए गोयल पेंट के पास। दीपावली पर दीवारों को सजाना है, कमरों को आकर्षित बनाना है, घर में मेहमान आए तो बोले कहाँ से कराया पेंट, कौन सा पेंट, कैसे चमक रही है दीवारें, वाह क्या खूबसूरत वॉलपेपर है, ये कर्टन कहाँ से लाए हो। ग्राहकों के लिए विश्वास का दूसरा नाम बन चुके गोयल पेंट्स ने 40 सालों में लाखों घर सजाए हैं, वो भी काफी कम दामों पर। तो जल्दी करें और सीधे चले आएं गोयल पेंट्स सुल्तानगंज के पुलिया बाईपास रोड आगरा पर। निदेशक मुरारी लाल गोयल, मोबाइल नंबर 9897135351।